बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलहम डायनेमिक वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। कि स्पेस के अंदर जगह, स्पेस से मतलब जगह, डिफरेंट जगहों पर इकोसिस्टम कैसे एस्टेब्लिश हो गया, एक कम्युनिटी कैसे रहना शुरू होगी नॉन लिविंग फैक्टर के साथ। तो आए सर, आज हम लोग देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। इकोसिस्टम होता है बेटा, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग फैक्टर्स, मीन इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट किन्हें कहते हैं? नॉन लिविंग फैक्टर्स। और बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं? लिविंग फैक्टर्स। या बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, या बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन से जानदार आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट जगहों पर रहते हैं, एनवायरमेंट के एतबार से मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जगहों पर रहते हैं, ये क्या करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं। जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये नए अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। तो उन नए जानदारों में एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्टेशंस आती हैं। जब उनमें अडेप्टेशंस आती हैं तो एवोल्यूशन हो जाता है। उस एवोल्यूशन के नतीजे में कुछ न्यू स्पीशीज अराइज होती हैं, नई स्पीशीज बन जाती हैं, जो कि डिफरेंट जगहों पर पाई जाती हैं। अब ये जो नई स्पीशीज आई, या रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो नए जानदार पैदा हुए, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं, उनका वहां पर रहना किस चीज पर डिपेंड करता है? इस स्पीशी का वहां पर रहना दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि ये वहां पर स्पीशी खाएगी क्या, दूसरा ये कि वहां पर एक्सटर्नल कंडीशंस या एक्सटर्नल, इधर से कट कर रहे हैं फारूक साहब, यहीं से अब ये जो नई स्पीशी है, ये नई स्पीशी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर सरवाइव करती है। और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है बेटा? ये डिपेंड होता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर। कैसे? क्योंकि बेटा ये जो स्पीशी है, ये खुद क्या है? ये खुद कंज्यूमर है। ये क्या है बेटा? कंज्यूमर है। मींस ये अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है, तो ये कंज्यूमर है। ये कंज्यूमर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? प्रोड्यूसर के ऊपर। आया कि वहां पर जो चीज उनको चाहिए जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए जो चीज चाहिए, आया कि वो वहां पर मौजूद है कि नहीं है, आया कि वो चीज वहां पर। देखें, इंसानों की अगर बात करें तो इंसान किस एनवायरमेंट में जिंदा रह सकते हैं? जहां पर उनको उनकी जरूरियात जिंदगी की चीजें मुयस्सर हों, तो वहां पर वो रह सकते हैं, वहां पर वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वहां पर उनकी नई स्पीशीज, वहां पर उनके बच्चे पैदा होंगे बेटा। इसीलिए जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है, और जहां पर उस कंज्यूमर का पर्टिकुलर प्रोड्यूसर मौजूद होता है तो वहां पर वो कंज्यूमर सर्वाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? मोस्टली प्लांट होते हैं। तो बेटा इस तरह से ये वाले जो जानदार हैं, ये नई स्पीशीज हैं, ये उसी जगह के ऊपर रिप्रोड्यूस करेंगी जहां पर इनको रहने के लिए लिविंग कंडीशंस मुयस्सर होंगी। और जब ये रिप्रोड्यूस करती जाएंगी, नई स्पीशीज इवॉल्व होती जाएंगी, तो इकोसिस्टम की एक ब्रॉडर टर्म आपके पास आ जाएगी, इकोसिस्टम का एक लार्जर पैरामीटर आ जाएगा। वो जो इकोसिस्टम का लार्जर पैरामीटर आपके पास सामने आ जाएगा, उसको आप लोग कहते हैं बायोम। दैट वुड बी कॉल्ड एज बायोम। तो बायोम किसे कहते हैं? बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। दो लफ्ज हैं इस स्टेटमेंट, इस डेफिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट हैं। एक लफ्ज आपके पास क्या है? रीजनल कम्युनिटी। इट्स अ रीजनल, लार्ज रीजनल कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती है। दूसरा, उसको डिटरमिन कौन करता है बेटा? एक्सटर्नल कंडीशंस, यानी कि उसका एनवायरनमेंट, यानी कि क्लाइमेट। क्लाइमेट कहते हैं लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन इन एनवायरनमेंट, इन वेदर्स। तो बेटा
अब ये जो बायोम है ये इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो प्रोड्यूसर्स, देखें अगर उसको वहां पर खाने के लिए कुछ चीजें मिल रही हैं तो वहां पर सर्वाइव कर रहा है, अगर नहीं मिल रही है तो वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। दूसरा, आया के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो अगर तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल है, दूसरा वहां पर जो चीज उसको चाहिए वो मिल रही है, तो बेटा वो स्पीशी वहां पर रिप्रोड्यूस करेगी, वहां पर रिप्रोड्यूस करती रहेगी तो उसके अंदर एवोल्यूशन आएगा, वहां पर एक मुकम्मल उसका इकोसिस्टम एस्टेब्लिश हो जाएगा, वहां पर उसके मुकम्मल एक कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी, और वो जो एक बड़ी कम्युनिटी वहां पर एस्टेब्लिश होगी, वो जो इकोसिस्टम का एक बड़ा एरिया वहां पर एस्टेब्लिश हो जाएगा ड्यू टू क्लाइमेट एंड प्रोड्यूसर्स टाइप। इसलिए फिर उस लार्ज वास्ट डाइवर्सिटी को आप लोग क्या कहेंगे, उसको बायोम कहेंगे। मींस इकोसिस्टम की एक वास्ट फॉर्म है बायोम, जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कौन से जानदार पाए जाते हैं, जो उस ग्रास के ऊपर फीड करते हैं बेटा, तो ये बायोम है। इस वजह से कहा जाता है बायोम इज नेम्ड आफ्टर मेजर टाइप ऑफ प्लांट। तो बायोम को मेजर टाइप ऑफ प्लांट के बाद नेम दिया जाता है, जिसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दी कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम। तो ग्रास क्या है, प्लांट्स हैं बेटा, पौधे हैं। तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम को पूरा आपने किस बुनियाद पर नाम दे दिया, उन पौधों की बुनियाद पर नाम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। क्यों, क्योंकि वहां पर जो रहने वाले जानदार हैं वो इस ग्रास के ऊपर डिपेंड करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, घास को खाते हैं, और अगर घास खत्म हो जाए तो वो जानदार वहां पर नहीं रह सकते हैं। इसलिए बेटा वो जो एक पूरा का पूरा एक लार्ज इकोसिस्टम है वो एक बायोम। So biome is the large regional community primarily determined by climate. तो जब एक खास environment में कुछ living organism रहते हैं तो वो वहाँ पर reproduce करते हैं, वहाँ पर उनकी नई species आती है evolution के नतीजे में, और वो नई species इस बुनियाद पर मजीद वहाँ पर survive कर सकती हैं कि आया जो चीज़ें उनको चाहिए क्या वहाँ पर उस type के producers हैं, plant हैं, क्या वहाँ पर उस तरह की conditions हैं। तो अगर तो वहाँ पर वो conditions available हों तो वो species वहाँ पर proliferate करेगी, वहाँ पर survive करेगी, और ये जो पूरा एक वास्ट एनवायरनमेंट इकोसिस्टम बन जाएगा उसको आप लोग कहते हैं बायोम। दैट्स वाज द लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस।